बिहार में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा, अस्पताल में पड़ रही ऑक्सीजन की कमी, जहां प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे ऑक्सीजन प्लांट। धरातल पर फेल होती नल जल योजना, मोकामा में लोगों को नहीं मिल रहा सरकार की योजना का लाभ, घटिया पानी की टंकी के कारण सरकार की योजना फ्लॉप। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, रांची उपायुक्त ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में डॉक्टरों के साथ की बैठक। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी, दुमका में विद्यालय परिवार की ओर से किया गया मास्क वितरण, कोविड नियमों का पालन करने की गई अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिसको देखते हुए जहां प्रमुख पप्पू यादव सिपारा स्थित ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सभी मरीजों के लिए जाप ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएगी। आने की बात छोड़िए, यहां आत्महत्या करना पड़े, कोई अस्पताल लगभग बंद, सब जगह बोर्ड लग गई बंद, एक तो बहाना कोरोना का इलाज नहीं करने का, दूसरा लगभग पाटलिपुत्रा में जितना गैस का है वो जितना इंडस्ट्री इलाका है और जितना मेट्रो का काम हो रहा है, टोटल गैस सिलेंडर मेट्रो के कामों में, पाइप कटिंग के कामों में जा रहा है, अस्पताल को नहीं दिया। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के कई दिग्गज प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम पहुंचे, सभी ने बासुकीनाथ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, समरीलाल और अमर बाउरी ने यहां दर्शन किए। विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक लगे हुए थे, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए, बाबा फौजदारी के दर्शन करके आशीर्वाद लिए कि झारखंड में सहित पूरे देश के अंदर पहले तो कोरोना का जो प्रकोप है उससे इस पूरे देश की जनता को निजात दिलाए, साथ ही साथ मधुपुर को भी जो देश विरोधी ताकतें जो वहाँ गढ़ जमा रही है उस पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रभक्त लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता। वहीं बदायूं में पंचायत चुनाव को देखते हुए डीएम ने एक जरूरी बैठक की और इस दौरान पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिला अधिकारी बदायूं दीपा रंजन के निर्देश को लेकर उप जिला अधिकारी दातागंज पारसनाथ मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 19 अप्रैल को बदायूं में होने वाले मतदान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मतदान संपन्न कराने की बात कही गई। इसके साथ ही मौके पर जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी शामिल रहे। कार्यवाही की जाएगी।
तो बदायूं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी बदायूं दीपा रंजन के निर्देश को लेकर उप जिलाधिकारी दातागंज पारसनाथ मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में कोरोना काल में पंचायत चुनाव किस तरीके से संपूर्ण किए जाएं इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही मौके पर जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को बदायूं में मतदान होने वाला है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए रांची के उपायुक्त आए दिन राजधानी के सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की इसी कड़ी में आज उपायुक्त छवि रंजन सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के रख रखाव का भी जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने एक बैठक भी आयोजित की जिसमें कई डॉक्टर गायब रहे। सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं हमारे पदस्थापित हैं और जिन लोगों की ड्यूटी सदर अस्पताल में एज अ कोविड हॉस्पिटल में लगी है, उन सभी लोगों को कल कॉल किया गया था। पिछले दो दिन से जब मैं लगातार हमारी टीम जा रही है सदर अस्पताल, तो कई डॉक्टर्स जो हैं वो एबसेंट पाए गए हैं। उन सभी को बुलाया गया था आज। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी एबसेंट हैं। और आज सभी उन लोगों को बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटी से भागे नहीं और प्रशासन को बाध्य ना करें कि आप पे कोई कार्रवाई हो। और सभी लोगों ने एश्योर किया है कि आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया और इसके साथ ही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी देने का आरोप लगाया। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भी तत्पर है, काम कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। नेता विरोधी दल। तो अब खबर मधुबनी से है, जहां कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार कड़ा रुख अपना रही है, अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भी लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं प्रभारी डीएस डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्रा का कहना है कि जांच के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। अपनी बात पूरा कोशिश कर रहे हैं हम कि जो भी पेशेंट आए मास्क लेकर के आए और दो गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन जब यहाँ पर मरीज लोग आते हैं बहुत समझाने के बाद, अगर वो लोग मास्क को जेबी में रखे रहते हैं, पॉकेट में रखे रहते हैं, तो वो लगा लेते हैं, तौलिया बांध लेते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है इसके लिए। और लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सबको ये रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी हो जाए। वहां पर इसके करने के बावजूद कि आप लोग डिस्टेंस बनाए रखे रहिए, वो लोग इतने पे आतुर हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के बीच एक बार मास्क वितरण का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि विद्यालय परिवार की ओर से दुमका जिला जरमुंडी प्रखंड के गांव डुमरथर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क दिए जा रहे हैं। इसी के साथ विद्यालय परिवार ने सभी से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। से बचाव के लिए आज हम घर घर जाकर के
अपने ग्रामीणों के साथ में, साथ ही विद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ में हम घर घर जाकर के मास्क का वितरण कर रहे हैं और कोविड 19 का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको घर घर जाकर के बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, साथ ही घर से बाहर जाने पर मास्क का उपयोग आप जरूर करें और साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना जैसे जो महामारी पूरे विश्व में आज फैला हुआ है, जो स्थिति है, उससे हम बच सकते हैं। वहीं समस्तीपुर में गर्मी के मौसम में कई इलाकों में अब पानी का संकट मंडराने लगा है। नीतीश सरकार के सात निश्चय योजना के तहत लगाए गए नल जल भी फेल हो गए हैं। कहीं पंप मोटरें खराब पड़ी हैं तो कहीं घटिया पाइप, लेकिन जिम्मेदार इसे बखूबी नजरअंदाज कर रहे हैं। हसनपुर ब्लॉक के दूधपुरा पंचायत में वार्ड नंबर 8 के इलाके में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकी, करना शुरू तो कर दिया। इस जबरदस्त गर्मी के दिनों में नलों से पानी ना मिलने पर इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोगों को पानी भरने दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, जिसे लेकर लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पानी आज तक नहीं दिया गया है और बोरिंग खराब हो, कुछ भी खराब हो, हम लोगों को पानी चाहिए। आज तक इस पर वीडियो साहब पहल नहीं किए हैं, इसीलिए दोबारा फिर हम आप लोगों को सूचित करते हैं और इस पर आप लोग जरा से बढ़िया से कीजिए काम, ताकि हम लोग जनता को पानी मिल जाए। सब तरह ही माम अभी कर रहा है पानी की। वार्ड सदस्य 08 वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य है, हमारा नल का लगा लू है, बोरिंग में बार चलाए तो बालू निकल रहा है, इसलिए हम जनता को पानी नहीं दे पा। मोकामा के घोसवरी ब्लॉक में हर घर नल जल योजना एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। खासकर मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ लूट खसोट का जरिया बन गई है। किसी भी पंचायत में इस योजना का थोड़ा भी लाभ लोगों तक आज तक नहीं मिला है और दरियापुर पंचायत के बाद अब मेकरा वार्ड नंबर 13 में पानी टंकी महज 10 दिनों में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि पानी की टंकी में बहाव भी पानी की टंकी सहन नहीं कर सकी, इस वार्ड में पाइप भी धरातल पर ही बिछा दिए गए। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि घटिया पानी की टंकी के कारण सरकार की योजना पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही है। पाइप को जो बिछाने वाला है मोटा वाला पाइप, उसको 3 फीट गड्ढा करना है तो 2 फीट 1.5 फीट 1 फीट में झांपा हुआ है। उसके बाद टोटी, एक भी टोटी कहीं नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद स्टैंड का ढलैया भी नहीं हुआ है। उसके बाद टंकी, इतना घटिया टंकी दिया है, सबसे कम क्वालिटी वाला कि पानी दिया उसमें अब फट के 2 आधा होकर गिर गया है। बिहार में राज्यपाल ने 17 अप्रैल को कोविड को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी बिहार में लॉकडाउन समेत कई मांग करके नीतीश सरकार की नाकामी को उजागर कर रही है। इसी कड़ी में प्रेमचंद मिश्रा ने मांग करते हुए कहा कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी है और सरकार पूरे साल अपनी पीठ को बस थपथपाने का काम करती है, इसलिए लॉकडाउन लगाना फिलहाल जरूरी है। कोरोना एकदम से बेकाबू होता जा रहा है, खासकर पटना की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है और ये किसी के समझ से परे है कि पिछले साल जब कोरोना का दंश हम सब ने झेला तो सरकार की तरफ से कही जाती थी कि हमारे पास तैयारी का समय नहीं मिला, हमारे पास प्रॉपर इंतजाम नहीं हुए, लेकिन जो गवर्नमेंट पिछले बजट सत्र तक यह कहती थी कि नहीं, हमने काबू कर लिया है, हमारा रिकवरी रेट 99% से ज्यादा है, हमारे पास प्रॉपर पीपीई किट है, साधन है, ऑक्सीजन है, सारा कुछ क्लेम किया, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो स्थिति बनी है खासकर राजधानी पटना में जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, बिहार में
वहीं कोरोना आपदा की इस घड़ी में रांची सांसद संजय सेठ ने अनोखी पहल की है। कोरोना को लेकर संजय सेठ ने एक वीडियो बनाकर अपनी बातों को रखा। वीडियो में उन्होंने कहा कि रांची में ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका कोई मददगार नहीं है, उन्हें रविवार से घर तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए दिए गए किसी भी एक नंबर पर पूरी जानकारी व्हाट्सएप करनी होगी। इसके साथ ही कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके बाद घरों तक भोजन पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। रांची वासियों के लिए संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी रक्षा के लिए प्रयास भी करेंगे। हमको धैर्य रखना है, संयम भी रखना है। और रांची के अंदर जो संक्रमित परिवार है उनके लिए एक छोटी सी पहल शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। इस रविवार से जो संक्रमित परिवार, जिनमें बूढ़े बुजुर्ग, कामकाजी महिलाएं, ऐसे लोग जिनका कोई मददगार नहीं, वैसे लोगों को निःशुल्क भोजन, दूध, फल आदि पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। सेठ ने वीडियो बनाकर एक संदेश दिया है कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि रांची में ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका कोई मददगार नहीं है, उन्हें रविवार से घर पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी नंबर पर पूरी जानकारी देने पर उन्हें मदद दी जाएगी। वहीं सूबे में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सोल में भी जांच बढ़ा दी गई है। सरकार और डीएम के निर्देश पर स्टेशन पर मेडिकल टीम की ओर से डॉक्टर अमित जायसवाल और डॉक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में मुंबई और दिल्ली सहित दूसरे महानगरों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इस कड़ी में कई ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोविड 19 के लक्षण हैं और पॉजिटिव भी है। कि बॉम्बे और ये दिल्ली से जो भी गाड़ी आएगी उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए डीएम साहब के तरफ से जो है एडवाइस मेडिकल टीम को किया गया और मेडिकल टीम के द्वारा जो है सभी यात्री जो बॉम्बे और ये दिल्ली से आ रहे हैं सभी का टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार ने जांच यहां पर बढ़ा दी है और इसके साथ ही जो ट्रेन से सफर करके यात्री वापस अपने घरों को आ रहे हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। पूरे देश में कोरोना के कारण परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहीं झारखंड में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब परिस्थितियां दायरे से बाहर होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के व्यापारियों का मानना है कि अगर राज्य को बचाना है तो राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं लॉकडाउन को लेकर राजधानी रांची के व्यापारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची में। कोरोना अपना पैर पसारता हुआ लगातार तमाम राज्यों में नजर आ रहा है और झारखंड राज्य भी उससे अछूता नहीं है। सवाल यह है कि राज्य की जनता अब किसके भरोसे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए, तो वहीं राजधानी रांची का एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां के व्यापार वर्ग के लोग ही चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए तभी जाकर कोरोना से झारखंड को बचाया जा सकेगा। और जो मौजूदा परिस्थिति है, प्रतिदिन हजारों का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहा है कोरोना संक्रमण और हालत बेहाल है और जिस तरीका से लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है। और राजधानी रांची के अरवोड़ा चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीका से यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां और बद से बदतर हो सकती है। हम सीधा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि क्या मौजूदा हाल है, क्या मौजूदा परिस्थिति है, आखिर क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। सर बताइए क्या वजह है कि आखिर लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति। सर, सरकार के पास कोई तंत्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं, ना हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, ना किसी प्रकार का नहीं, तो पब्लिक कहां जाएंगे। और कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि सब अपने अपने जगह सजगता से रहें, अपने घर में रहें।
एक दूसरे से ना मिले, जितना कम से कम बाहर आए, तो इसको करने के लिए अगर पब्लिक, हम लोग तो स्वतः कर ही दिए हैं और पब्लिक को संदेश भी दे दिए हैं कि भैया इसको आइए, सरकार ना भी लॉकडाउन करती है तो आप लोग लॉकडाउन में आइए, लेकिन अब अगर नहीं आते हैं पब्लिक तो सरकार को इमीडिएट हफ्ते 15 दिन के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन रोजगार पर बात आ जाएगी, जीविका पर बात आ जाएगी, इसको किस नजरिए? तो सर ये जान ही चली जाएगी तो रोजगार रह के क्या करेंगे सर? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, राज्य की जनता ही है वो। नहीं, रांची की ही जनता ही है, ठीक है, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम आम पब्लिक के बारे जो सोच रहे हैं तो हम तो अपना संदेश पहुंचाएंगे ही सरकार के सामने कि सर अगर आदमी का जान ही नहीं बचे। आज हमने 4-5 ऐसे गणमान्य तो सुने हैं जिनका सब कुछ होते हुए भी उनके पास जान चला गया, हॉस्पिटल का दरवाजा पहुंचते पहुंचते जान चला गया। तो सर ये क्या है सर, जब सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है तो सरकार का अल्टरनेट उपाय कि भाई सजगता कर दे आदमी अपने जगह पर रहे। बिल्कुल, देखिए इन बातों को सुनकर लगता है कि सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा जो परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए। एक तरफ हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की राज्य की जनता इस बार लॉकडाउन लगाने की उनसे मांग कर रही है और अविलंब इस मांग को लागू करने की भी गुहार लगा रही है। हम सीधा उनसे ही बात करने, बताइए क्या परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन लगाना चाहिए। जी, स्थिति हमारा ऐसा है कि हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनको ये अभी समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये कोरोना का बहुत लोअर वेरियंट है जो 2020 में था, उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो अभी कोरोना जो चल रहा है ये यूके वेरिएंट है और उससे भी डबल, ये डबल इम्यूनिटी वाला वेरिएंट है जिसमें कि मौत का संख्या ब्राजील और इंग्लैंड में जो जिस बार हुआ था जिसमें श्मशान भूमि चाहे जलाने के लिए जगह कम पड़ गया था, वो स्थिति हो रहा है। और इनको सिर्फ मधुपुर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मधुपुर एक हमारा रातू रोड से भी छोटा जगह है जिसको ये इश्यू बना के मधुपुर को प्रायोरिटी, बिकॉज उनका अटैचमेंट रांची से कम ज्यादा, संथाल से ज्यादा है। ये मैं एक रांची का बहुत सेंसिटिव पब्लिक हूँ, आप मेरा डिटेल्स भी ले सकते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं कि आज रांची में पैसा होने के बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पैसा होने के बाद अगर लाखों रुपया भी है तो भी आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, Nobody is going to take care। सरकार तो ये दावे कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी हेमंत सरकार क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपने रांची वासियों को बचाना है। कितने दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं? एटलीस्ट 15 to 20 days और इट शुड बी एक्सटेंडेड एज पर द करेंट सिचुएशन। आफ्टर 20 days जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जान बचेगा नहीं आप रोजगार मुहैया करा के क्या कीजिएगा। आपने लास्ट ईयर गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचाया, हिंदपीढ़ी पे पर्टिकुलर आपका ध्यान था, ठीक है, आप वही एक्टिविटी कीजिए। हिंदू एरिया को आप छोड़ दो, वो हिंदू एरिया आदमी लोग इतना कमा के रखा है कि वो लोग लॉकडाउन में भी खा लेगा, ठीक है। लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस तरीका से परिस्थितियां सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं हेमंत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगातार लगी हुई है और यही वो दृश्य सामने देखने को मिल रहा है कि राज्य की जनता भी अब 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन चाहती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जान रहेगी तभी जीविका रहेगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जीविका रख कर क्या फायदा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज रांची। वहीं सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, बढ़ते विवाद के चलते प्रधान प्रत्याशी की हत्या कर दी गई, तो वहीं झड़प में दो लोग भी घायल हो गए। पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र का है जहां एक शिकायत किए जाने के बाद बढ़े विवाद में प्रत्याशी की पिटाई कर दी गई। बीच बचाव के लिए दौरान आए दो अन्य लोगों को भी पीटा गया। इस मामले में 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिववर्मन वर्मा के लड़के राजेंद्र वर्मा इत्यादि द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, जिस बात का उलाहना लेकर अमरदेव गौतम और उनके चाचा सीताराम राजेंद्र वर्मा के घर गए थे, वहां दोनों पक्षों में पुनः लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान अमरदेव गौतम की डंडे की चोट सर में लगी जिसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अमरदेव गौतम के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों को और कुछ अन्य व्यक्ति को अज्ञात नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है।
वहीं मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां उजागर चोरी के आरोप में पकड़ा गया चोर कोरोना पॉजिटिव निकला और उसे दूसरे बंदी के साथ एक ही हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जाया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पकड़े गए दोनों आरोपियों का है, जिसमें से एक आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। वहीं सरकार के कोरोना को लेकर बनाई गई तमाम गाइडलाइनों के बाद ऐसी घटना हुई है, जो अपने आप में प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।